हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि बीम की ड्राइंग को कैसे आपने रीड करना है और कैसे समझना है और कैसे इसकी आपने स्टील फिक्सिंग करवानी है साइड पे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये देखें, ये आ रही, ये टॉप वाली हमारी, ये टॉप की मेन बार, इसमें वो बता रहा है कि 3 सरिये 20 के आपने यूज़ करने हैं और एक दे रहा है वो 16 का। फिर ये प्लस कर रहा है 1 20 का इन स्लैब, क्योंकि ये जो 4 सरिये हैं ये आएंगे हमारे बीम में और ये वाला जो 1 सरिया है ये आएगा स्लैब में। अब ये जो बता रहा है L/3 होता है कि आपका जो स्पैन है आपने ये लेना है कि ये कॉलम से आगे कितना होना चाहिए। ये लैप इसका हमेशा बीम के सेंटर में होता है, टॉप मेन बार का। तो ये बता रहा है कि L/3 के हिसाब से आपने इसका लैब लेना है। L/3 अब ये आएगा हमारे स्पैन का 9 फुट 7 इंच है हमारे स्पैन का, इसको हम डिवाइड करेंगे 3 पे तो वो आ जाएगा हमारा L/3। अब आगे आ जाएं, ये देखें, ये दे रहा है 4 सरिये दे रहा है 16 के टॉप एक्स्ट्रा। हमेशा जो है बीम में ज़्यादा मोस्टली जो टॉप एक्स्ट्रा होता है वो कॉलम के सेंटर में होता है और जो बॉटम एक्स्ट्रा होता है वो बीम के सेंटर में होता है, लेकिन बाज़ लोगों पे डिज़ाइनर चेंज भी कर देता है, लेकिन मोस्टली यही होता है। अब ये 4 20 के दे रहा है। अब ये भी जो है ये भी L/3 के हिसाब से होगा हमारा कॉलम के, ये हमारा स्पैन कितना है 19 फुट 7 इंच, इसको L/3 करेंगे तो जितना बनेगा वो इस साइड पे आएगा और ये स्पैन हम देख लेंगे ये कितना है, ये भी 19 फुट 7 इंच का है तो ये भी इधर भी हमारा ये इतना ही आएगा। अब आ जाए नीचे बॉटम में। अब ये बॉटम में दिखा रहा है कि ये 3 सरिये दे रहा है 16 के, ये इधर तक हमारा बीम आ रहा है, आगे ये हमारा ये ब्रैकेट दे रहा है और ये आगे ऊपर पर दिया 4 इंच की, तो ये उसका दे रहा है। आप इसको छोड़ दें, मैं आपको आज सिर्फ बीम के बारे में बताऊंगा। अब ये इधर दे रहा है नीचे बॉटम में 3 16 के, वो ब्रैकेट में जा रहे हैं और नीचे जो बॉटम मेन बार दे रहा है वो 4 20 के दे रहा है और इधर आके वो बीम के बॉटम में 2 सरिये दे रहा है 16 के बीम बॉटम एक्स्ट्रा। और ये आगे ये और इधर रिंगों का वो दे रहा है कि आपने जहाँ से कॉलम से लेके और 5 फुट के फासले तक आपने 5 इंच की स्पेसिंग पे 10 mm वाले सरिये का रिंग डालना है और आगे वो दे रहा है सारा 10 इंच का। आगे वाले कॉलम में सेम यही है, 5 फुट पे आपने देना है 5 इंच की स्पेसिंग पे, इधर भी यही है, रिंगों का सेम टिपिकल ये। और ये जो नीचे वाला मेन बार का हमने जो लैप देना है वो ये आपको दिखा रहा है, ये कॉलम के सेंटर में ही देना है आपने, ये दे रहा है L/8। अच्छा, ये जो बॉटम का हमारा बॉटम एक्स्ट्रा है वो हमने कैसे निकालना है कि कितनी इसकी लेंथ होगी, बॉटम एक्स्ट्रा हम लेंगे L/8। L/8 हम इधर से माइनस कर देंगे और L/8 ही इधर से माइनस कर देंगे, टोटल लेंथ 19 फुट 7 इंच में से जो आएगा तो वो हमारा बॉटम एक्स्ट्रा हो जाएगा। आज की वीडियो में नाज़रीन में आपको बीम की ड्राइंग रीड करना सिखा रहा हूँ और नेक्स्ट वीडियो में आपको स्लैब और कॉलम के बारे में बताऊँगा।